मदीने का वाकया है। छोटा सा बच्चा 10 साल का, मैं 8 साल का मदीने की गलियों में घूमा करता था। पाँव में चप्पल नहीं, जिस्म पर सही तरीके से कपड़े नहीं। वो हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुम्बद को देखता है और रोता है। उसका यही हाल था, हुजूर की गुम्बद को देखता है और रोता है, हुजूर की गुम्बद को देखता है और रोता है। कुछ लोग वहाँ पहुँचे, शायद ये इंडिया का वाकया है, इंडिया के कुछ लोग वहाँ पहुँचे और बच्चे से कहा, तुम्हारे पाँव में चप्पल नहीं है, तुम हमारे साथ चलो, हम चप्पल भी दिलाएंगे, कपड़े भी दिलाएंगे, खाने के लिए उम्दा तुम्हें चीज़ें भी देंगे, हमारे साथ इंडिया चलो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। 10 साल का बच्चा है, हाथ पकड़ा और जाने लगा, गुम्बद खजरा से दूर हुआ, जाने लगा, फौरन हाथ छुड़ाया और इंडिया के इंसान से सवाल करने लगा, एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर जवाब देंगे तब तो मैं इंडिया आऊँगा वरना नहीं आऊँगा। तो वो लोग कहने लगे, तेरा सवाल क्या है, जवाब देंगे। तो छोटा सा 10 साल का, 8 साल का बच्चा जो सवाल किया, तमाम लोगों के फाख्ते उड़ गए, तमाम लोगों को इस सवाल ने परेशान कर दिया। वो बच्चे ने बड़े लोगों से सवाल किया, इंडिया तो आऊँगा, खाने के लिए मिल जाएगा, पहनने के लिए मिल जाएगा, पीने के लिए मिल जाएगा, पाँव में चप्पल नहीं है मिल जाएगी, जिस्म पे कपड़ा मिल जाएगा, लेकिन मुझे बताओ इंडिया में ये गुम्बद नजर आएगा क्या, इंडिया में ये गुम्बद नजर आएगा क्या, इंडिया में ये गुम्बद नजर आएगा। तो वो लोग कहने लगे, इंडिया में हर चीज है लेकिन गुम्बदे खतरा नहीं है। तो वो बच्चा ज़बाने हाल से कहने लगा, पूरी दुनिया मुझे नहीं चाहिए, बस गुम्बदे खतरा मुझे चाहिए।